सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का डार्क टोस्ट के एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन एपिसोड में। आज की जो स्टोरी है वो नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज हुई फियर स्ट्रीट के ऊपर है, जिसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली ये मूवी ट्रायलॉजी बेस्ड होने वाली है तीन पार्ट्स में। तो अभी मैं आपको इस मूवी का पहला पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके सेकेंड पार्ट में आपको 1978 की स्टोरी के बारे में पता चलेगा, और जो सबसे लास्ट तीसरा पार्ट आएगा तो 1666 की कहानी से आपको पता चलेगा कि ये सारी भसड़ कैसे स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सीडी साइड मॉल, जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज अभी भी वर्किंग होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर टाइम। और उसमें हमारी हैथर भी शामिल होती है, फर्स्ट कैरेक्टर। और हमारी जो दूसरी मुलाकात होती है वो रियान से होती है, जो कि हैथर का काफ़ी अच्छा फ्रेंड होता है, क्योंकि हैथर काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, इसलिए रियान उसको घर तक ड्रॉप भी करने वाला होता है। बट यहाँ पर हम कुछ अजीब सी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि रियान को अभी यहाँ पर कुछ सुरीली आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिसे वो बेवकूफ़ फॉलो करने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हैथर के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, लाइक बुक सेल से बुक का गिर जाना और पीछे से किसी के होने का एहसास होना। इसके बाद यहाँ पर एक नकली भूत का कॉस्ट्यूम पहने हुए एक कैरेक्टर दिखाई देता है, जो कि हैथर पर अटैक कर देता है। बट वो यहाँ पर बच जाती है और उससे बचने की कोशिश में वहाँ से निकल पड़ती है। बट बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो अपनी जान बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो एक काउंटर के पास पहुंचती है, और वहां पहुंच करके वो 911 पर कॉल करती है। और वो बताती है कि वो इस वक्त सेडी साइड मॉल के अंदर है और उसकी जान को खतरा है। बट इससे पहले कि वो और जानकारी दे पाती, वहां पर वो मास्क पहना हुआ गधा पहुंच जाता है। तो यहां पर उस नकली भूत को देख करके जैसे ही हैथर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, वो पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है और वो गिर पड़ती है। और इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक नकली वाला स्ट्रगल दिखाया जाता है, और यहां पर वो भूत उसके अंदर इतने चाकू घुसेड़ता है कि उसके मुंह से भी खून आ जाता है। तो यहां पर वो अपनी जान बचाने की हाथापाई में उसका मास्क उतार देती है, और वो शॉक हो जाती है कि वो कोई और नहीं, उसका फ्रेंड रियान होता है। और वहां पर इतने में पुलिस पहुंच जाती है, उसके मत्थे पर गोली मार के वहीं ढेर कर देती है। हमारी हैथर दीदी मारी जाती है। भूत के नकली कॉस्ट्यूम पहने हुए उस रियान ने वहां मौजूद उस मॉल के अंदर 7 मर्डर किए होते हैं, वो भी बेरहमी के साथ। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये शहर दो भागों में बटा हुआ है, सनीवेल और सीडी साइड। सनीवेल एक काफी ज्यादा खुशहाल और सुख संपत्ति से समृद्ध एक साम्राज्य है, और दूसरी तरफ सीडी साइड, जिसमें मनहूसियत हमेशा छाई रहती है और वहां पर कोई भी खुश नहीं रह पाता। तो उसके पीछे का राज यह बताया गया है कि 1666 में कोई एक काला जादू करने वाली डायन होती है, जिसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और उसी के श्राप की वजह से ये सारी पनौतियां होती रहती हैं सेडी साइड के अंदर। और इस तरह के ब्रूटल मर्डर केसेस अब सेडी साइड के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात हो चुकी होती है, और ये कुछ हर साल होने वाली घटना होती है। जैसे कि वो डायन किसी एक खास शख्स को चुनती है, उसे एक बढ़िया वाला ताजा माल फुकाती है, और उससे वो सारे मर्डर कराती है। इसके बाद हम मूवी के प्लॉट पर चलते हैं। यहाँ पर हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है डीना, जो कि एक लेस्बियन होती है, और इसकी गर्लफ्रेंड सेम के साथ इसका ब्रेकअप हो चुका है, और इसीलिए इतने ज्यादा आंसू बह रही है। उसकी दी हुई कुछ चीजों की बकचोदियों को याद कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमारी कैरेक्टर से मुलाकात होती है, जो उस कैरेक्टर से जो कि हमेशा किसी अनजान शख्स से इंटरनेट पर टॉक करता रहता है। हमें पता चलता है कि जॉस इन सब मर्डर केसेस को लेके काफी ज्यादा परेशान होता है, और उसने इन सब पर काफी ज्यादा रिसर्च भी की होती है, जिसके बारे में इसने एक एक डिटेल्स को कैप्चर किया हुआ होता है। जॉस बताता है कि ये सारी चीजें उसे डायन सराफ फियर के शाप की वजह से होती है, और इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका होगा, वो उसी के बारे में खोज करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है, और हमें दिखाया जाता है डीना अपने स्कूल जाती है और अपने फ्रेंड कैट और सिमोन से मिलती है। कैट और सिमोन अपने एक्स्ट्रा खर्चे और इनकम को निकालने के लिए ड्रग्स को बेचते हैं। इसके बाद एक ब्रीफिंग होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन होने वाला है सनीवेल के स्टूडेंट्स और सेडी साइड के स्टूडेंट्स के बीच, और उस कॉम्पिटिशन के लिए अभी सेडी साइड के स्टूडेंट्स सनीवेल जाने वाले हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। सेडी साइड के स्टूडेंट्स काफी इनसेंसिटिव होते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं होता है कि सेडी साइड के मॉल में किसका मर्डर हुआ है और किस तरह से वो लोग मारे गए। सेडी साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बस में बैठते हैं और सनीवेल पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद वो उन सब स्टूडेंट्स के साथ वहां पर खड़े हुए होते हैं, जहां पर मेयर लेक्चर दे रहे होते हैं। और यहां पर डीना ऑलरेडी अपने ब्रेकअप को लेकर के काफी ज्यादा डिप्रेस होती है, और जब वो सेम को किसी और लड़के के साथ देखती है तो उसकी और ज्यादा फूक जाती है, और यहां पर वो और ज्यादा किलस जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेयर सेडी साइड में हो रही उन सभी पनौतियों को लेकर के और सेडी साइड मॉल में जो जिन लोगों की डेथ हुई थी उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर सनीवेल और सेडी साइड के स्टूडेंट्स के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वहां के मेयर और ऑफिसर्स उस झगड़े को शांत करते हैं और वहां से बैकअप कर देते हैं। जब ये लोग सभी अपने घर जा रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि बस में कैट सनीवेल के स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और वह अपने दोस्तों से उनसे बदला लेने की बात कह रही होती है। दूसरी तरफ डीना को अपनी बस के पीछे एक कार दिखाई देती है, जिसमें वो सनीवेल के स्टूडेंट्स होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड सेम भी होती है, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया है, उसी लड़के के साथ बैठी हुई है। तो वो और ज्यादा किलस जाती है, जिसको लेकर के वो अपने दोस्तों की मदद से उस पानी के टैंक को उनकी कार के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक जंगल में जाकर के रुक जाते हैं।
उस एक्सीडेंट से किसी को कोई ज्यादा खास चोट तो नहीं लगती है, बट यहाँ पर सेम जब कार से बाहर आती है तो उसकी नाक से खून निकल रहा होता है जिसे वह अपने हाथ से टच कर लेती है। और जब वो उनकी उंगलियां उसकी जमीन से टच होती है तो उसे उस सारा फियर का विजन दिखाई देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। और क्योंकि डीना उसके लिए काफी ज्यादा परेशान और चिंतित होती है इसलिए वह अपने दोस्त कैट और सिमोन के साथ उसको देखने के लिए वहां पर पहुंचती है और वह उससे सॉरी भी बोलती है। पर सेम काफी ज्यादा डरी हुई होती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और दूसरी तरफ वो खून की उल्टी कर देती है सिमोन के ऊपर। यहाँ पर फटाफट से एक एम्बुलेंस पहुंचती है और साथ ही साथ पुलिस पहुंचती है। एम्बुलेंस सेम को लेकर के वहां से चली जाती है और यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और जिसके लिए वो उन सबसे सवाल करती है। तो यहाँ पर सभी लोग एक ही जवाब देते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो कार के इम्बेलेंस होने की वजह से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि डीना अपने घर पर किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और यहाँ पर उसे डोरबेल लगातार बज रही होती है, जिसके बाद वो जाती है, गेट खोलती है तो देखती है वहां पर कोई भी नहीं होता। बट थोड़ा सा दूर देखने पर उसे दिखाई देता है कि एक अलीसी भूत की कॉस्ट्यूम में कोई गधा खड़ा हुआ था जिसे वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद दोबारा से नकली भूत की कॉस्ट्यूम में वो गधा उसे फिर से उस गार्डन में दिखाई देता है जिससे वो समझती है कि वो जरूर सनीवेल का कोई चूतिया होगा, इसलिए वो तुरंत गेट खोलकर बाहर निकलती है उससे झगड़ने के लिए, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद डीना ये सारी बातें अपनी फ्रेंड कैट को बताती है जो उससे काफी ज्यादा दूर नहीं रहती है। वो उसे बताती है कि वो हरामजादा उसे फिर से परेशान कर रहा है, उस टेम का बॉयफ्रेंड। तो यहां पर कैट उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम उसे सबक सिखाएंगे। इसके बाद जैसे ही वो फोन रखती है तो उसे बहुत कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद जब वो वहां पर जाती है तो वहां पर वो नकली भूत की कॉस्ट्यूम में वो गधा होता है जो वहाँ पर सिमोन की उस टी शर्ट को सूंघ रहा होता है जिस पर सेम ने उल्टी की हुई होती है। इसके बाद जैसे कैट उधर पहुंचती है और आवाज लगाती है तो वो वहां से भाग जाता है। डीना ये नकली सा डरावना सीन देखने के बाद वो थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि सिचुएशन थोड़ी खतरनाक हो सकती थी, इसलिए वो अपने घर में मौजूद उन दो बच्चों को अपने पड़ोसी के घर पर छोड़ती है। और इसके बाद कैट और सिमोन डीना से मिलने के लिए उसके घर पहुंचते हैं और यहां पर कैट डीना को समझाती है कि तुम्हें सबसे पहले सेम को समझाना पड़ेगा ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा हद में रख सके। इसके लिए वो हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये चारों हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें मिलने के लिए मना करती है, जिसके बाद कैट अपने फ्रेंड नर्स बेडी को बुलाती है जो डीना को सेम से मिलवा देता है। जब डीना सेम से बात कर रही होती है तो इन दोनों के बीच में अपनी कुछ पर्सनल चीजों को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। इसके बाद पीछे से सेम का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जिस पर उन सबको शक होता है। यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और पीछे से वो मास्क वाला गधा आता है और उस सेम के बॉयफ्रेंड को वहां पर मार देता है, जिसके बाद सेम और डीना की फटकर हाथ में आ जाती है और वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसे देख करके वो तीनों भी वहां से भागते हैं। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए वो तीनों उस एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं और दूसरी तरफ सेम और डीना जब रिसेप्शन पर जाकर छिपती है तो वहां उन्हें पता चलता है कि वो उसने उस रिसेप्शनिस्ट को भी मार दिया होता है और दूसरी तरफ कैट का दोस्त बैडी भी वहां पर मारा जाता है। उसके बाद वो दोनों वहां से जब भागते हैं तो डीना पीछे मुड़कर देखती है उसका मास्क उतर गया होता है और जब वो उसकी शक्ल देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि वो कोई और नहीं रियान होता है जिसने सेडी साइड मॉल में हैदर का मर्डर किया होता है और जिसके सर में गोली मार करके पुलिस वालों ने उसे मार दिया होता है। बट वो मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है और वो उस नकली भूत की कॉस्ट्यूम पहन करके लोगों का मर्डर कर रहा है। इसके बाद ये चार से पांच हो जाते हैं और उस एम्बुलेंस में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर ये पुलिस वालों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि रियान जो मर चुका है वही कॉस्ट्यूम पहन करके पागलों की तरह लोगों का मर्डर कर रहा है। पर वहां पर वो ऑफिसर उसकी बात को नहीं सुनता और नहीं उस पर बिलीव करता है क्योंकि कोई भी मरा हुआ शख्स किसी और को कैसे मार सकता है। तो यहाँ पर डीना समझ जाती है कि उसको भी बताने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो प्लान बनाती है, उससे ऑफिसर से झगड़ने के बहाने उसकी गन चुरा लेती है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचती है। यहाँ वो ये चारों देखते हैं कि यहाँ पर सिमोन नहीं होता है, सिमोन जो टॉयलेट करने गया हुआ होता है। जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो वो देखता है कि एक हॉट और सेक्सी सी लड़की वहां पर बैठी हुई है और वो रो रही है। जब उसके पास पहुंचता है तो वो अपना असली रंग दिखाती है और उस पर चाकू से हमला कर देती है। उसके बाद वो गाना गाते हुए उस पर झपट पड़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर सिमोन बचने की कोशिश करता है और पीछे से उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और यहाँ पर डीना उस चुराई हुई गन से उसकी खोपड़ी उड़ा देती है। और उसके बाद ये पांचों घबराए हुए जब अपने घर पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर सिमोन उसे बताता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव कर रही थी, जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने एक बहुत ही पुराने जमाने के किसी रेजर ब्लेड से उस पर हमला किया। जिसे सुनने के बाद जोश अलर्ट हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है क्या वो कोई गाना भी गा रही थी। जिसके बाद जब सिमोन उसे हाँ करता है तो उसके बाद वो उसने अब तक जो भी रिसर्च की हुई होती है वो सारे पेपर्स लेकर के आता है, उन्हें समझाता है कि ये सब अभी से नहीं बल्कि काफी समय पहले से होता आ रहा है। वो बताता है कि वो कोई और नहीं, वो रूबी नाम की लड़की होती है जिसका दिमाग खराब हो जाता है, अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों को मारने के बाद अपनी खुद की भी जान ले लेती है। तो यहाँ पर हमें जोश के द्वारा पता चलता है कि सिर्फ एक रियान एक ऐसा शख्स नहीं होता है जो पागल हो जाता है, उससे पहले भी काफी लोग होते हैं, जैसे कि रूबी होती है जो 1965 में, 1978 में एक हथौड़े वाला आदमी, 1950 में एक मिल्कमैन, 1935, 1922 और इसी तरह से काफी लोग होते हैं जो अचानक से पागल हो गए थे और उन्होंने काफी लोगों का मर्डर किया। और 1666 में वो पहला किलर पादरी था जिसने बच्चों को मार करके उनकी आंखें निकाल लिया करता। इसके बाद सेम उन्हें बताती है कि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था असल में उसी जगह वो मेरी नाक से भी खून आया था और उसके बाद मुझे बड़ा फियर का विजन भी दिखाई दिया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर भी गई थी। इसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि क्यों ना उसी एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जाया जाए ताकि हमें नया जानने को मिल सके। इसके बाद वो पांचों जब उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वहां जाकर के सेम
उसी जगह पर हाथ रखने की कोशिश करती है कि शायद उसे दोबारा से वो विजन दिखाई दे। और जब वो उस हाथ को वहां पर रखती है तो उसे एक जंजीर मिलती है जिसे वो जब खींचती है पता चलता है कि असल में वहां पर बॉडी है जिसकी जंजीर के ताले पर सराफ फियर का नाम होता है, जिसके बाद वो उन सबकी फट जाती है ये सोचकर कि असल में ये किसी और की नहीं सराफ फियर की डेड बॉडी है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि उन्होंने उसकी कब्र को खराब किया था, सिर्फ इसी वजह से वो सभी उसके पीछे आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो उस कब्र को ठीक करने लगते हैं वहीं कुलाड़ी वाला दूसरा गधा आता है जो उसको इग्नोर कर देता है, जो उसके बगल में ही खड़ा होता है और जाकर सेम पर हमला करता है। बट वहां से वो लोग बच जाते हैं और जाकर के सीधे एम्बुलेंस में बैठ करके वहां से निकल जाते हैं। तो यहां पर सेम बताती है कि असल में वो लोग तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे पीछे आए हुए हैं क्योंकि मैंने उनकी कब्र खराब की है। तो यहां पर कैट उनसे बोलती है कि वो असल में वो तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुमने जो उल्टी की थी उसकी वजह से वो उन सबके पीछे है। कैट उसे बताती है कि वो जो मास्क वाला गधा आया था वो असल में सिमोन की उस टी शर्ट को सूंघ रहा होता है जिस पर तुमने उल्टी की होती है और तुम्हारे ब्लड के निशान होते हैं, और जिस टी शर्ट को इस चूतिए ने अभी तक पहन रखा होता है। और दूसरी तरफ डीना के जूतों पर भी उस ब्लड के निशान होते हैं। तो वो समझते हैं कि शायद वो उस खून का पीछा करते हुए उनके पीछे पड़े हुए हैं और शायद यही वजह थी जिस वजह से उसने जोश को इग्नोर कर दिया था। इसके बाद ये पांचों प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर यही उनका चारा है तो उन्हें जो चाहिए वो दे देते हैं। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं और उसके बाद अपने स्कूल पहुंचते हैं। पांचों अच्छे से नहा धोकर के अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं और उसके बाद वो सारी चीजों को एक टॉयलेट के अंदर इकट्ठा कर देते हैं सभी कपड़ों को, और साथ ही साथ सेम का ब्लड सैंपल लेते हैं जिसे वो एज ए चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। सेम के ब्लड को एक पानी की बाल्टी में मिक्स करते हैं और उसको पूरे कॉलेज में फैला देते हैं ताकि वो उसे फॉलो करके वहां तक पहुंच सके, और सेम को उस टॉयलेट में बिठा देते हैं। इसके बाद जैसा कि प्लान किया था ठीक वैसा ही होता है। वो सारे गधे एक अलग अलग दिशाओं से आते हैं और उन सभी को इग्नोर करते हुए उस टॉयलेट के अंदर जाते हैं ताकि वो सेम को मार सके। बट उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था और उसके अकॉर्डिंग सेम उस चिमनी के रास्ते से वहां से बाहर आ जाती है और वो उस टॉयलेट को बंद करके वहां से लाइटर से आग लगा देते हैं जो उस कैन तक पहुंच करके वहां पर एक धमाका हो जाता है। प्लान के हिसाब से ऑलरेडी उन्होंने उस टॉयलेट के अंदर काफी सारी ऑयल की बोटल्स रख रखी होती है और साथ ही साथ काफी सारा ऑयल उन्होंने चारों तरफ फैला रखा होता है ताकि आग लगने में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा प्लान किया था ठीक वैसा ही होता है। उसके बाद जब वो गेट खोल करके अंदर जाते हैं चीजों का मुआयना करने तो उन्हें पता चलता है कि उन तीनों के चितड़े उड़ चुके होते हैं, बट उसके बावजूद वो किसी टर्मिनेटर के विलन की तरह वापस जिंदा हो रहे थे, जुड़ रहे थे आपस में। अब ये सब देखने के बाद उनकी बुरी तरह से फट जाती है और वो उस टॉयलेट से बाहर आकर के एक रूम में बंद हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि उन्हें जो चाहिए उन्हें वो दे दिया जाए ताकि इन सबसे छुटकारा मिल सके, क्योंकि इन्हें रोकने का कोई और तरीका नहीं है और ना ही वो मर सकते हैं। और इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो सेम के लिए आ रहे हैं इसलिए वो सेम को उनके हवाले कर देंगे, जिसे सुनने के बाद सेम खुद ही वहां से चली जाती है ताकि वो अपने और दोस्तों की जान को खतरे में ना डाल सके। दीना किसी भी हालत में सेम को मरने देना नहीं चाहती थी और वो उसे बचाना चाहती थी। और दूसरी तरफ जब जोश की नजर अपने कुछ आर्टिकल्स पे पड़ती है तो उसको एक ऐसा आर्टिकल मिलता है जिसमें एक ऐसी शख्स होती है जिसको सेम की तरह सराफियर का विजन आता था, इसलिए उन्हें एक उम्मीद मिलती है सेम को बचाने के लिए, इसलिए वो वहां से उसको बचा लेते हैं। और उसके बाद जब वो सेम अंदर आती है तो वो उस आर्टिकल को पढ़ती है और उसको वो बताती है कि असल में वो टेक्निकली मर चुकी थी, मरने के बाद जिंदा हुई थी वो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में सराफियर सिर्फ उस शख्स को मारना चाहती है। तो ये सारे ज़ॉम्बी गधे उस एक शख्स के पीछे सिर्फ इसलिए आते ताकि वो उसे मार सके। सी बर्मन को भी सेम की तरह सराफियर के विजन आया करते थे और उसके पीछे भी इसी तरह से कुछ ज़ॉम्बी गधे पड़े हुए थे, बट वो बचती नहीं है। असल में वो मर जाती है लेकिन CPR और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसकी धड़कनें दोबारा से शुरू हो जाती हैं और वो इसलिए बच जाती है। तो यहाँ पर उन्हें समझ में आ जाता है कि सबसे पहले हमें सेम को मारना पड़ेगा, उसकी धड़कनें रोकनी पड़ेंगी ताकि हम उसे बाद में दोबारा से जिंदा कर सके और उसको इस श्राप से मुक्त कर सके। इसके बाद इन पांचों को पता होता है कि असल में इनको करना क्या है। तो इनको पता होता है कि इन्हें सिर्फ सेम को मारना है इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी गधे आकर के इसे मारे। इसके लिए कैट अपने कुछ ड्रग्स निकालती है और उसको कैट यहाँ पर कुछ खुराक बना के देती है जिसे उसे कुछ समय के गैप पर खाना होता है, और सबके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए होता है जिसके लिए डीना उस ड्रग को लेकर के सेम के साथ एक जगह पर बैठ जाती है और बाकी के तीनों पहरेदारी करने लगते हैं। और जब डीना ये सारे ड्रग्स सेम को खिला रही होती है तो यहाँ पर प्लान फेल हो जाता है क्योंकि जो ड्रग्स वो सेम को देती है सेम उन ड्रग्स खाने के बाद उल्टी कर देती है, इसलिए वो सारे ड्रग्स बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो सारे ज़ॉम्बी गधे तीनों के पीछे पड़ जाते हैं, इसमें से वो नकली भूत की कॉस्ट्यूम वाला कैट को वहां पर उस मशीन के जरिए मार देता है, दूसरी तरफ कुलाड़ी वाला गधा सिमोन को मार देता है। अब यहां पर सिर्फ जोश बचता है और वो किसी तरह से भाग करके अपनी जान बचा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीना के पास अब कोई और चारा नहीं होता है, इसलिए वो उसके सर को उस फिश टैंक के अंदर डाल देती ताकि वो सांस ना लेने की वजह से मर जाए। बट मरना इतना आसान नहीं होता, वो काफी ज्यादा टाइम ले रही होती है मरने में। और दूसरी तरफ जोश के ऊपर भी हमला हो जाता है उस नकली भूत की कॉस्ट्यूम वाले गधे के द्वारा, और दूसरी तरफ वो दोनों ज़ॉम्बी किलर भी वहां पर पहुंच जाते हैं, डीना पर हमला करने ही वाले होते हैं कि सेम की वहां पर सांसें टूट जाती हैं और उसकी धड़कनें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सारे किलर्स अचानक से गायब हो जाते हैं और यहां पर ये तीनों बच जाते हैं, जोश, सेम और डीना। डीना सेम को उठाती है और नीचे जमीन पर लिटा देती है, और डीना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे असल में नहीं पता होता कि वो सच में जिंदा हो भी पाएगी या नहीं। तो यहाँ पर डीना एक एक करके उन सभी एपीपेंस को उसकी छाती में बांट देती है, लेकिन उन एपीपेंस का असर होता है वो किसी चमत्कारी तरीके से सही नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल करने पर वो वहां पर जिंदा हो जाती है। और यहाँ पर सेम के साथ साथ
सेम के साथ साथ डीना की भी सांस में सांस आती है। के बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है जिसमें ऑफिसर्स उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि ये सब किस तरह से हुआ। तो वो तीनों बताते हैं कि उन सेडी साइड की और पनौतियों की तरह उनके पीछे एक किलर पड़ गया था जिसने कैट और सिमोन का मर्डर कर दिया और वो तीनों किसी तरह से बच गए, क्योंकि वो तीनों जानते थे कि अगर वो सच्चाई बताएंगे तो कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा कि जो 15 और 30 साल पहले लोग मर चुके थे असल में वही मरे हुए लोग उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा इसलिए वो उनको सच नहीं बताते। डीना और सेम अपने रिलेशनशिप को ओपन करते हैं सबके सामने और वह दोनों एक रूम में बैठे हुए होते हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि अचानक से एक कॉल आती है जो कॉल सी बर्मन के द्वारा होती है, जिसे उन्होंने कॉल करके मदद मांगने की कोशिश की थी जो असल में सारा फियर के श्राप से बच गई थी। तो यहाँ पर डीना उससे कहती है कि अब सेम बच गई है, अब उसे कोई खतरा नहीं है, तो अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सी बर्मन उससे कहते हैं कि ये सब कभी खत्म नहीं होता है और वो अभी बची नहीं है, उसकी जान को अभी भी खतरा है। तो इतना सुनने के बाद जैसे ही डीना पीछे मुड़कर देखती है तो सेम उस पर हमला कर देती है, उसके पेट में चाकू डाल देती है। तो यहाँ पर डीना किसी तरह से अपनी जान बचाती है उससे और उसको एक टेलीफोन की वायर से उसे अच्छे से बांध देती है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और यहाँ पर उसका भाई जोश भी आ जाता है। अब यहाँ पर डीना का मकसद यह होता है कि किसी तरह से सेम को ठीक करना और उसके लिए सी बर्मन के पास जाना ताकि वो इसका कोई तरीका निकाल सके या उसे ठीक करने का कोई तरीका उसे बता सके। तो इसके बाद अब जो पार्ट 2 होगा उसमें हमें सी बर्मन की स्टोरी के बारे में जानने को मिलेगा कि वो किस तरह से बच पाई है और सेम को बचाने का क्या तरीका हो सकता है। तो यार कमेंट में जाकर जरूर बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ लाइक भी ठोक देना। मिलते हैं डॉक्टर्स के एक न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन एपिसोड में।